नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक और ऐतिहासिक शख्सियत लेकर। आज हम जिस शख्सियत की बात करेंगे उन्हें सम्राट अशोक के नाम से पूरा विश्व जानता है। आज हम उनके संपूर्ण जीवन पर प्रकाश न डालकर बात करेंगे कलिंग युद्ध के बाद की, जब अहिंसा के मार्ग पर चले अशोक। कलिंग युद्ध ने महाभारत की तरह एक बार फिर इतिहास के पन्नों को रक्त से रंजित कर दिया था, या यूं कहिए रक्त से लाल कर दिया था। निसंदेह महाभारत की जीत पांडवों के नाम थी और कलिंग की सम्राट अशोक के नाम, किंतु दोनों ही धरती की माटी अपनी ही लाखों संतानों के लहू से लाल हो चुकी थी। इन दोनों युद्धों ने आने वाले युगों को महान संदेश दिया। जहां महाभारत से निकले गीता के उपदेश आज भी हमारा मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, वहीं कलिंग के बाद अशोक के हृदय परिवर्तन ने अहिंसा के मार्ग को रोशन किया और बौद्ध के शांति संदेश को विश्व भर में प्रसार और प्रचार किया। आमतौर पर सभी जानते हैं कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हथियार छोड़कर अहिंसा के मार्ग पर खुद को अग्रसित कर लिया था, किंतु क्या आपको पता है कि अशोक के लिए यह नई राह आसान नहीं थी? आखिर क्यों? आइए जानने की कोशिश करते हैं। विदिशा की साधारण सी कन्या देवी से प्रेम और विवाह के बंधन में बंधने के बाद भी अशोक ने अपने क्षत्रिय धर्म को बखूबी निभाया। वहीं दूसरी ओर देवी अहिंसा के मार्ग पर चल रही थी, साथ ही अपने दोनों बच्चे महेंद्र और संघमित्रा को भी अहिंसा के मार्ग पर चलने की शिक्षा देती रही। जब भी अशोक जिम्मेदारियों के दबाव में अपनेपन की कमी महसूस करते तो लौटकर देवी के पास आते। उन्हें देवी के धर्म, कर्म, दान, शिक्षा आदि से कोई समस्या नहीं थी, लेकिन वे खुद कभी पूरी तरह से इस कार्य में शामिल न हुए। इस बात की कमी देवी को हमेशा खली। एक बार जब अशोक देवी और बच्चों से मिलने विदिशा आए हुए थे, तब उन्हें पिता के अस्वस्थ होने का समाचार मिला, लिहाजा उनका जाना जरूरी था। दूसरी तरफ राज्य का विस्तार करने की जिम्मेदारी अशोक पर थी, जिसके लिए रक्त तो बहाना ही था। इन्हीं विचारों में उलझे अशोक ने देवी से कहा, राज्य में विद्रोही हैं जिसे आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या विद्रोह से शांति भंग नहीं होती? अशोक ने कहा, हिंसा के बिना शासन सुचारू रूप से नहीं चल पाता। मैं अकारण ही लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता, इसमें नया कुछ नहीं है। इसके बाद जवाब में देवी ने कहा, सदियों से हिंसा की गाथाएं चली आ रही हैं, हमारा इतिहास महाभारत जैसे भीषण युद्ध के रक्त से लाल है। इन महागाथाओं के पन्नों से निर्दोष प्राणियों के रक्त की बू आती है। यह सुनकर अशोक अवाक रह गए। आखिर उनके क्षत्रिय संस्कार कैसे अहिंसा के प्रवचनों को सहज स्वीकार कर लेते? बावजूद इसके यह द्वंद्व एक खामोश सवाल के साथ खत्म हो गया। विदिशा में अपनी पत्नी देवी और बच्चों को छोड़कर अशोक उज्जैनी लौट आए। जब कुछ समय बाद उन्हें उनकी माता की मृत्यु का समाचार मिला और उसमें सौतेले भाई सुसीम की मिलीभगत सामने आई, तो उन्होंने उसका वध कर दिया। इसके बाद उपजी परिस्थितियों में राज्य की जनता ने राजकुमार अशोक को अपना सम्राट चुन लिया। इसके बाद तो जैसे जिम्मेदारियां बढ़ती चली गई। सम्राट बनने के बाद अशोक का लक्ष्य था कलिंग और मौर्य साम्राज्य को एक कर देना। यह इसलिए भी जरूरी था कि अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने कलिंग को हासिल करने के लिए युद्ध लड़ा था, जिसमें वे असफल रहे। इसके बाद पिता बिंदुसार ने भी उसे जीतने का असफल प्रयास किया। अब बारी अशोक की थी। उन्होंने कलिंग के राजा अनंत पनाभन को संधि का आमंत्रण भेजा, जिसे उसने अस्वीकार कर दिया। परिणाम यह रहा कि 261 से 262 ईसा पूर्व में अशोक ने कुशल सेना तैयार कर कलिंग पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में जहां अशोक के पास मात्र 1,00,000 सैनिक थे, वहीं कलिंग के पास 1,50,000 सैनिक थे। खैर, युद्ध शुरू हुआ और कम सैनिक होने के बावजूद भी अशोक विजयी रहे। आखिरी वार करने के बाद जब अशोक ने अपना सिर उठाकर देखा, तो उसके चारों ओर केवल लाशें ही लाशें थी।
पूरा मैदान सैनिकों के रक्त से लाल हुआ पड़ा था। सम्राट अशोक कलिंग युद्ध जीत चुके थे, किंतु किस कीमत पर? यह सवाल उन्हें परेशान करने लगा। कलिंग का युद्ध जीत लेने के बाद भी जब अशोक को शांति नहीं मिली तो उन्होंने देवी के पास लौट जाने का निर्णय लिया। साथ ही उन्होंने राजा सिंहासन पर बैठने की बजाय बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और एक बार फिर विदिशा की ओर रवाना हो गए। लेकिन भाग्य का खेल ऐसा था कि देवी अब इस दुनिया में नहीं थी। इस बात से अनजान जब अशोक विदिशा वापस लौटे तो उन्हें यह दुखद समाचार मिला। यूं तो अशोक ने देवी के अलावा भी अन्य विवाह किए थे, लेकिन महेंद्र संगमित्रा उनकी प्रथम संतानें और देवी उनका प्रथम प्रेम था। दूसरी तरफ अन्य रानियां महलों में रही, लेकिन देवी ने अपने प्यार के लिए कुर्बानी दी। उसने अपने प्रेम की प्रकाष्ठा को अपने धर्म के समान ही रखा और कभी भी महल में रहने की लालसा नहीं की। कहते हैं कि अशोक देवी के संस्कारों में अपने मां धर्मा की झलक पाते थे। आखिर धर्मा ने भी अशोक को रक्त रंजित राजनीति से दूर जंगलों में रखकर ही पाला था। यह वो पल था जब अशोक को अपनी जीत की खुशी नहीं बल्कि खुद से घृणा हो चली थी। देवी की हर एक बात उनको कचोटने लगी। चारों ओर की हाहाकार के बीच उसे वो एक एक बात याद आ रही थी जो देवी ने पिछली मुलाकात के दौरान कही थी। देवी दुनिया से जा चुकी थी और उनके बच्चे महेंद्र और संगमित्रा बौद्ध धर्म के प्रचारक बनकर श्रीलंका में जा बसे थे। यहां ऐसा कुछ न था जो अशोक को सुकून देता। फिर भी उसके कानों में बुद्धम शरणम गच्छामि के शब्द लगातार गूंज रहे थे। आखिर अशोक ने हथियार फेंक दिए और निर्णय किया कि अब वह हिंसा के मार्ग पर कभी नहीं चलेगा और अशोक अकेले ही अहिंसा के मार्ग पर आगे बढ़ चले। उस समय देवी के प्रचार का ही नतीजा था कि विदिशा और आसपास के क्षेत्र में कई बौद्ध संत रहा करते थे। अशोक ने निर्णय किया कि वह यहां भगवान बौद्ध के अनुयायियों के लिए स्तूप का निर्माण करवाएंगे। आगे उन्होंने देशभर के सबसे बेहतर शिल्पकार और वास्तु विशेषज्ञों को जमा किया और विदिशा से ही कुछ दूरी पर एक वीरान पहाड़ी को स्तूप निर्माण के लिए चुना गया। वहीं दूसरी शताब्दी के अंत में स्तूपों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया, जिनकी अपनी एक अलग ऐतिहासिक कहानी है, जिसका जिक्र हम अपनी एक और अन्य वीडियो में करेंगे। आशा करता हूं आपको हमारा आज का यह वीडियो बेहद पसंद आया होगा और आपको यह शिक्षाप्रद भी लगा होगा। ऐसे ही अन्य वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल शब्दबाण को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक और ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।